पिछले महीने चिड़िया की बेटी बीमार थी, इसलिए इस बार चिड़िया बरसात के मौसम से पहले अपने घर की मरम्मत ना कर सकी थी। चिड़िया बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ, हम बरसात के दिन में अपने नानों के घर में गुजारा कर लेंगे। हमारा घर तो बहुत कमजोर है, अगर बारिश शुरू हो गई तो बहुत समस्या बन जाएगी। सच मामा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नानों के घर जाकर बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को साथ लेकर अभी उड़ी ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, मेरे साथ साथ उड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम तेज हवा में उड़ जाओ। गुड़िया बेटी जंगल की दूसरी ओर अपनी माँ के घर पहुँचती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है कि अंदर से कोई नहीं आता। मम्मा चिड़िया फिर से दस्तक देती है, माँ माँ जल्दी दरवाजा खोलो, मैं आपकी बेटी और गुड़िया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलें, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। तभी अंदर से एक बूढ़ी चील बाहर आती है। क्या मामा लगा रखा है, ये घर मेरा है। चील, मगर यहाँ तो मेरी माँ रहती थी, ये घर मेरी माँ का है। वो बूढ़ी चिड़िया तो पिछली बारिश में ही मर गई थी, तब से मैं यहीं रहती हूँ, और तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें देखकर मेरा फिर से मांस खाने को मन कर रहा है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। उसकी बेटी गुड़िया अपनी मम्मा को चुप कराती है, मगर वो तो खुद भी रोए जा रही थी। मम्मा मम्मा चुप कर जाए, हम कहीं और रह लेंगे। चलो मम्मा, हम अब यहाँ से चलते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी दुखी मन के साथ फिर से वापस जाती हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठ जाओ, इस पेड़ के पत्ते बहुत घने हैं, आप यहाँ बारिश से भी बच जाओगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर थोड़ी दूर तोते के घर जाती है। तोते माफ करना, मैंने ऐसी बारिश में आपको तंग किया, मेरा घर बहुत कमजोर था, मैं अपनी माँ के घर गई थी, वहाँ एक बूढ़ी चील ने मेरे माँ के घर पे भी अपना कब्जा कर लिया है। मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में आने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं। चिड़िया, तुम जानती हो कि मेरा एक कमरा है, मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। चिड़िया जान जाती है कि तोता उसे बोझ समझ रहा है, इसलिए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या कहा कुत्ते अंकल ने, उनका घर छोटा है, उन्होंने बेटा अपना घर छोटा बता दिया। क्या तोते अंकल का दिल भी छोटा है? अरे चल बेटी, मेरे साथ चल, हम कौवे और कवि के पास जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर कौओं के घर जाती है। चिड़िया घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत होकर मेरे घर में आ जाओ। आ जाओ गुड़िया बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। चिड़िया गोरी के घर में चली जाती है। चिड़िया बहुत हैरान थी कि गोरी कवि इतनी जल्दी से कैसे मान गई। गोरी बहन, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी। चिड़िया, तुम्हारे पास घर नहीं है और मेरे पास दाना नहीं, मैं कल से भूखी हूँ, जाओ तुम मुझे दाना लेकर लाओ, दाना लेकर दो। मगर बाहर तो बारिश हो रही है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें छत दी है रहने को। चिड़िया अब समझ गई थी कि गौरी ने उसे अपने घर में क्यों रखा है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं गौरी के लिए दाना लेकर आती हूँ। मगर माँ, ऐसी बारिश में मम्मा आप दाना कैसे ढूंढेंगी? तुम्हारी मम्मा सब कर सकती है, बारिश में कैसे उड़ते हैं ये तो तुम्हारी मम्मा ने बचपन में ही सीख लिया था। मम्मा चिड़िया गोरी के घर से निकलती है। तेज बारिश में उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया के पंख थक चुके थे, मगर वो क्या करती, उसे किसी तरह से खुद और अपनी खुद की बेटी को गौरी के घर में रखना था। मम्मा चिड़िया घने जंगल में चली जाती है और फिर उसे एक ट्रेन की पटरी नजर आती है, जिस पर एक बहुत ही पुराना ट्रेन का डिब्बा खड़ा था, जो पूरी तरह से घास से ढक चुका था। ये तो बना बनाया घर है, अगर मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊँ तो मैं बारिश से बच सकती हूँ। वहाँ पटरी के साथ साथ कुछ चावल के पौधे भी थे और एक आम का पेड़ भी था। मम्मा चिड़िया कुछ चावल और आम लेकर वापस आ जाती है। अरे चिड़िया, तू दाना क्या लाई और साथ में फल भी लाई है, ऐसे मौसम में तुझे फल कहाँ से मिल गया? गोरी बहन, मेहनत और कोशिश से सब हो सकता है,
गौरी कभी दाना और फल लेकर एक तरफ रख लेती है। चिड़िया, जब तक चाहो तुम यहाँ रहना और मेरे लिए दाना लेकर आना और आराम से बारिश से भी बचे रहना। नहीं नहीं गौरी बहन, ऊपर वाले ने मुझे छत दे दी है। चलो गुड़िया बेटी, मेरे साथ चलो। चिड़िया, चिड़िया कहाँ जा रही हो? बारिश में भीगकर मर जाओगी। मगर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया उड़ती उड़ती उसी जगह पहुँच जाती है। इधर गुड़िया तो ट्रेन का डिब्बा देखकर हैरान हो जाती है। मम्मा, ये घर तो बहुत मजबूत है, कभी ना टूटने वाला है। यहाँ भोजन भी है और आम का भी पेड़ दोनों है। माँ बेटी उस पुराने ट्रेन के डिब्बे में चली जाते हैं। पेट भरकर आम खा लो और चावल खा लो। दोनों माँ बेटी आराम से सो जाती हैं। पेट भर के खाना खाने के बाद ज्यादा देर बारिश होने के कारण सबसे पहले तोते का घर टूट जाता है। तोता और तोती रोते हुए गौरी कौवी के पास जाते हैं। गौरी तो पहले से ही अपने घर की छत पर बैठी रो रही थी। पूरी पूरी हमारी तरह तुम भी बारिश में भीग रही हो। तोते, अभी थोड़ी देर पहले ही हवा का तेज झोंका आया और साथ ही मेरे घर की छत उड़ा कर ले गया। अब हमें किसी सुरक्षित जगह की खोज में जाना होगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते उसी पुराने ट्रेन के डिब्बे के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई थी। गौरी तोते और तोता चुपके से उस ट्रेन के डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। तोते कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया उठकर हमें यहाँ से भगा दे। नहीं गौरी, चिड़िया बहुत दयालु है, अगर वो उठ भी गई तो हमें कुछ नहीं कहेगी। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया की आँख खुलती है। वो तोते तोती और गौरी कवि को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। ये घर बहुत मजबूत है, कभी ना टूटने वाला। आप सबका वेलकम है मेरे इस लोहे के घर में। मिल गया मिल गया, मुझे पका हुआ अमरूद मिल गया। गौरी कौवी को अमरूद के पेड़ पर पका हुआ अमरूद मिल जाता है। जब गौरी कौवी वह अमरूद खाने लगती है तो उसे ख्याल आता है, मैं भागकर कालू पति को बुला लेती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे ये अमरूद। ये सोचकर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवी को बुलाने चली जाती है। कालू, कालू जी तुम उठो, तुम यहाँ सोए हुए हो। मैंने एक बहुत ही पका हुआ अमरूद ढूंढा है। चलो चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर खाएंगे वो अमरूद। यह सुनकर कालू कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, गौरी तुमने तो कमाल ही कर दिया। उड़ता हुआ मिट्टू तोता भी अमरूद के पेड़ के पास से गुजरता है। तोते को तो पके हुए अमरूद की खुशबू दूर से ही आ रही थी। यहाँ कुछ तो है, यह खुशबू पके हुए अमरूद की है। पत्तों के नीचे मिट्ठू को एक पका हुआ अमरूद दिख जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा दिन ही बन गया, इतनी जल्दी फल मिल गया और वो भी मेरा फेवरेट फल अमरूद। गौरी और कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दूर 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 हो जाओ इस अमरूद से, यह अमरूद तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख कर गई थी। मैं कालू पति को लेने गई थी कि तुम आगे, जब यह अमरूद छोटा सा था मैं तो इसे तब से देख रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, यह अमरूद मेरा है। अपनी जुबान तो देखो, पता नहीं तुम्हें किससे बात कर रहे हो। काली कौवे से और किससे बात कर रहा हूँ। तोते का इतना ही कहना था कि कौवे और कौवा दोनों मिलकर तोते को पकड़ लेते हैं और उसे पेड़ पर ही लिटा देते हैं और मारने लग जाते हैं। अरे बचाओ 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 इन दुष्ट कौवों से, इन दुष्टों से मुझे बचाओ। तभी टूनी चिड़िया जल्दी से वहां आ जाती है। गौरी और कालू छोड़ दो मिट्ठू को, मिट्ठू को छोड़ दो, वह मर जाएगा। कौवे और कौवा मिट्ठू को छोड़ देते हैं। जी, आज तो ये दोनों मार ही देते। तोता तो गिरा पड़ा था, वो खून से लथपथ था। गौरी ने तोते के पंख पर चोंच मारी थी। चल कालू जी, इसके लिए इतना ही काफी है। गौरी पेड़ से अमरूद तोड़ती है और कालू के साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हारे पास बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाती है। बुलबुल बुलबुल जल्दी चले, कौवे ने मिट्ठू को मार मार कर लहू लुहान कर दिया है।
रुको रुको चिड़िया, मैं पट्टी का सामान तो ले लूं। मैंने पंख और टांग पर पट्टी जो करनी है। और सुनो मिट्ठू, तुम 3 दिन तक उड़ना नहीं, घर पर ही आराम करना। मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप चिंता ना करें मिट्ठू, मैं आपको दाना लाकर दूंगी। टूनी चिड़िया कबूतर को बुलाकर लाती है। टूनी और कबूतर मिट्ठू तोते को उठाकर उसके घर तक छोड़ते हैं। मिट्ठू, क्या जरूरत थी उन कौओं से पंगा लेने की? पंख भी तोड़ दिया और टांग भी तुम्हारी। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि उस कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मिट्ठू, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। टूनी जाती है और जंगल से कुछ दाना ढूंढकर मिट्ठू तोते को लाके देती है। टूनी चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और मिट्ठू तोता तो ठीक हो जाता है। मिट्ठू तोता अब फिर से उड़ने लगा था। मिट्ठू तोते को फलों वाली खुशबू दूर से आ जाती थी। इन पेड़ों में जरूर पके हुए आम होंगे। ओहो हो हो, मिल गए, मैंने तो खुशबू से ही पता लगा लिया। मिट्ठू तोता वहाँ पके हुए आम लेता है और अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में तोते को टूनी और कबूतर मिलते हैं। मिट्ठू तोता वहाँ रुक जाता है। वो सामने वाले घने पेड़ों के बीच आम का पेड़ है, तुम जाकर वहाँ से आम ले लो। और हाँ, उन कौओं को बिल्कुल ना बताना, अगर पूछे तो, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मिट्ठू, ठीक है, आज तो मीठे मीठे आम खाने का मजा ही आ जाएगा। ऐसे टूनी चिड़िया और कबूतर वहाँ से मीठे आम ले लेते हैं और नदी किनारे बैठकर टूनी और कबूतर मीठे आम खा रहे थे कि तभी वहाँ कौवी और कौवा भी आ जाते हैं। अरे टूनी टूनी, ओ टूनी चिड़िया, बहुत भूख लगी है, हमें भी बता दो तुमने ये आम कहाँ से लिए हैं? गौरी, ये आम हमें मिट्ठू तोते ने दिए हैं और तुम्हारी तो मिट्ठू तोते से लड़ाई हुई है, यह आम तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर इस बार वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे मार कर ही छोड़ूंगा। कौवे भैया, हम सब पक्षी एक साथ मिलकर रहे तो इसी में हमारा फायदा है। वो बड़ी चोंच वाला किसी को क्या फायदा दे सकता है? एक दिन गौरी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता एक पेड़ की खोखर में फंस जाता है। वह सुराग बहुत छोटा था। जग्गू कौवा उस सुराग में घुस जाता है, मगर अब निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह पूरा जोर लगाता है, मगर उसकी चोंच सुराग से बाहर आ जाती है। वह पूरी तरह फंस चुका था। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे अरे, मुझे कोई बचाओ प्लीज। अरे, ये तो कौवे और कौवे का बेटा है। प्यारे दोस्तों, टूनी चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। कबूतर जग्गू को वहाँ फंसा हुआ देखकर कौवे और कौवी के पास जाता है। तुम्हारा बेटा जग्गू सूखे पेड़ के छेद में फंसा हुआ है, जल्दी जाओ, वो रो रहा है। कबूतर, कहाँ? मेरा बेटा सूखे पेड़ में? वो सामने वाले पेड़ में। कौवा और कौवी भागते भागते उस पेड़ के पास जाते हैं। मैं अपने पंख से जग्गू को बाहर खींचता हूँ, मगर कालू का पंख सुराग में नहीं जा रहा था। जग्गू बेटा, इस लकड़ी को अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ लो और हम इसे खींचते हैं। मगर जैसे ही कौवा लकड़ी खींचता है, जग्गू से वह लकड़ी टूट जाती है। कौवा और कौवी थक जाते हैं। टूनी चिड़िया, कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू बेटा, आप इतने छोटे छेद में क्यों गए थे? मम्मा पापा, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, और मेरे शरीर पर चींटियाँ भी काट रही हैं। छेद में चींटियाँ हैं। टूनी चिड़िया मेरी बहन, अब तुम ही मुझे कोई उपाय बताओ, मेरे बेटे को बचा लो। तुम इंसानों की बस्ती में जाओ और वहाँ से लकड़हारे इंसान को बुला कर लाओ। ये सुनते ही गौरी कौवी इंसानों की बस्ती में जाती है। लकड़हारे इंसान, कृपया करें, मेरे बेटे को छेद से बाहर निकाल दे। चल चल भाग काली कौवी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं काम छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊं।
निराश होकर गौरी कौवी वापस चली जाती है। गौरी, यहाँ कहाँ उस लकड़हारे ने? वो नहीं माना मेरे साथ आने को। मेरा जग्गू, मेरा बेटा जग्गू, मेरा जग्गू क्या अब इसी छेद में मर जाएगा? नहीं पापा, पापा मुझे बाहर निकालो। जग्गू फिर से जोर लगाता है, मगर उसका सर तो उस छेद से बाहर ही नहीं आ रहा था। ना जाने उस छेद में जग्गू कैसे चला गया। अब तो एक ही पक्षी है जो जग्गू को बचा सकता है। टूनी जाती है और मिट्टू तोते को बुला कर लाती है। टूनी, नहीं नहीं, मैं कौवे की मदद बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम भूल गई क्या? मिट्टू, छोड़ो इन्हें, इन छोटे छोटे पक्षियों की जान बचाने के लिए ऐसा नहीं सोचते। इस छेद को अपनी तेज चोंच से काट कर बड़ा करो। जल्दी करो मिट्टू, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब तो जग्गू अपना सर गिरा कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। तोते, तुम मुझे मार लेना, मुझे पूरे जंगल के सामने बेइज्जत कर लेना, पर मेरे बच्चे को बचा लो। तोते, हम पर रहम करो, हमारे बेटे को बचा लो। लो लो ये डंडा, लो ना, तुम कितना जी चाहे उतना मार लो। तोता अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है और फिर अपनी तेज चोट से छेद को काटने लगता है। थोड़ी ही देर में तोता काट काट कर उस छेद को खुला कर देता है और बड़ा कर देता है। अब इसे खींचकर बाहर निकालो गोरी। गोरी अपनी चोंच से खींचकर आसानी से जग्गू को बाहर निकाल लेती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू उठकर बैठ जाता है। कौवे और कौवी के पास तो शब्द ही नहीं थे कि वह कैसे मिट्टू का शुक्रिया अदा करें। मगर मिट्टू शायद अब उन कौओं से अभी भी गुस्सा था, इसलिए मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। कौवा और कौवी, देख लिया ना, हमें किसी भी समय किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। चिड़िया, ओ टूनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और जैसे भी हुआ हम तोते को मना ही लेंगे। फिर वह सब अपने घरों में चले जाते हैं। कालू जी, ओ मेरे सुंदर पति जी, कालू आज मुझे शहर वाले जंगल ले जाओ ना। ओहो, मैं कहूँ आज सुबह से बहुत मीठी मीठी बोले जा रही हो, मगर सुन लो, मैं शहर वाले जंगल जाने वाला बिल्कुल नहीं। रास्ते में पहाड़ों पर एक चील रहती है, जो भी उस रास्ते पर जाता है वह चील उसे पकड़ कर खा लेती है। कालू, ओ कालू, हमारा रंग काला तो हमारा मांस भी काला, तो बच्चे हमारे पंख ही तो है, भला चील हमें खाकर क्या करेगी, क्या अपना पेट काला करेगी? अगर तुम्हें चील ने पकड़ लिया तो मैं छुड़वाने नहीं आऊँगा, याद रखना। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम ना आना, मगर मुझे शहर वाले जंगल ले जाओ प्लीज। देखो तो मेरी चोंच कितनी काली हो गई है, मैंने वहाँ से अपनी चोंच पर लगाने के लिए लाल लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है। कालू जानता था कि गोरी जो कहती है वो मनवा लेती है, इसलिए वह मान जाता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर वाले जंगल के लिए निकलता है। वह दोनों कौवे पति पत्नी उड़ते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें टूनी चिड़िया रोक लेती है। गोरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर वाले जंगल जा रही हूँ अपने लिए लाल रंग की लिपस्टिक लेने। ना ना ना, आप उस दिशा में बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ चील रहती है, वो तुम्हें पकड़ लेगी। अरे चल हट कमजोर टूनी, डराओ ना, मैं पहले ही कालू को बहुत मुश्किल से मनाया है, और वो चील हमें नहीं खाती। चील तो तुम जैसी चिड़ियों का मांस खाती है, या फिर नरम नरम गंदी आँखों वाले कबूतर का मांस खाती है। गोरी कालू को लेकर वहाँ से उड़ती है। ये दोनों मरेंगे, लिपस्टिक मिले ना मिले, मगर गोरी को आज वो चील जरूर मिलेगी। आधे रास्ते जाकर गोरी कौवी को भूख लग जाती है और वह एक जगह बैठ जाती है। गोरी, यहाँ से निकलने की जल्दी करो, अगर वो चील आ गई तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मरना पड़ेगा। मैं तो बिन कुछ खाए पिए उड़ भी नहीं सकी, मुझे भूख लगी है। तुम यहाँ बैठो ना, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। कालू की बात ना सुनते हुए गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। ये तो कोई कौवी है, पागल कौवी, खुद ही चलकर मेरा भोजन बनने आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं, कोई पक्षी नहीं खाया। चलो वो काली ही सही, मगर है तो पक्षी ही। चील उड़ती है और गोरी कौवी के आगे बैठ जाती है।
चील दी आ, मैं तो भूखी थी, मैं ताना ढूंढने निकली थी। कवी क्या बताऊं, मेरे पेट में भी भूख से पूरे 100 चूहे दौड़ रहे हैं। तो दाना खा लो, मैं आपको दाना ढोड़ कर ला देती हूँ। दीदी दाना खाओगी ना? ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मैं जाकर देता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी के पीछे उड़ता है। थोड़ा पास आओ ना कौवी, तुम्हें देखकर मेरी भूख और भी बढ़ रही है। वो चील गोरी को पकड़ने ही वाली थी, ये पीछे से कालू कौवा चील के सर में डंडा मारता है। यह किसने मारा मुझे? मुझे ये डंडा किसने मारा? चील वहीं गिर जाती है। कालू और गोरी पीछे पीछे अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। अब तो गोरी भूखे पेट ही कालू कौवे के आगे आगे भागी जा रही थी। कौवा और कौवी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। अगर मैं ना आता तो वही चील तुम्हें अब तक खा चुकी होती। कालू, जब मैं चील को बताया कि मैं शहर वाले जंगल अपने लिए लिपस्टिक लेने जा रही थी, तो वह रोने लगी। मुझसे कहा कि मेरे लिए भी एक लिपस्टिक लेकर आना। वो तो मेरी सहेली बन गई थी ना। गोरी ऐसे ही अपने पति कालू को अपनी बड़ाई बताती है और छोट बोलती है। बड़ी बहन मेरे सर में मारा, मैं काली कौवी को खाने ही वाली थी कि किसी ने मेरे सर में डंडा मार मार कर मुझे गिरा दिया। अब वो बच्ची हमें मारने लग गए हैं। छोटी, अब हमें योजना बनानी होगी, एक ऐसी योजना जिससे हम उन सारे पक्षियों को एक साथ खा सकें। किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने मेरी बहन के सिर में डंडा मारा उसे तो मैं उल्टा लटका कर मारूंगी। दूसरे दिन बड़ी चील बहन अपना भेष बदल कर सर पर टोकरी उठाए जंगल में निकलती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सस्ती सस्ती सतरंगी चूड़ियाँ, ले लो चूड़ियाँ। लूसी कबूतरी चील को आवाज देती है, चूड़ियों वाले रुको, मुझे चूड़ियाँ देते जाओ। चील तो वहीं रुक जाती है। आप तो चील हो, कहीं आप मुझे खा ना लो। ना ना ना, मैं आपसे चूड़ियाँ नहीं लूंगी। अगर मैं इतनी ताकतवर होती तो मैं चूड़ियाँ बेचकर कमाई क्यों करती? मैं भी आराम से किसी पक्षी को खा सकती थी। मैं तो चूड़ियाँ बेचकर दाना और अनाज खरीद कर खाती हूँ। यह सुनकर लूसी कबूतरी चील की बातों में आ जाती है और चील से चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर वह चील सारे पक्षियों को अपने भरोसे में ले लेती है। रानो चिड़िया ने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन दुखों का पहाड़ तो उस दिन टूटा जब गुड़िया को कहीं नौकरी नहीं मिली। गुड़िया बेटी, स्कूल की पढ़ाई का खर्चा तो मैंने संभाल लिया, लेकिन बेटा कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा मेरे से अब नहीं संभाला जा रहा है और मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है। सोचा था जब तेरी नौकरी लगेगी तो सब चुटकियों में निपटा दूंगी। मम्मा, दिल छोटा ना करें, क्या हुआ जो मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही? मैं कल दूसरे शहर जाऊंगी, हो सकता है वहाँ नौकरी जरूर मिल जाए। रात का समय था, ऐसे बातें करके मम्मा और बेटी सो जाती हैं। अगले दिन गुड़िया दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो अपनी मम्मा से एक भी रुपया नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर पे एक भी रुपये नहीं है। वो घर से बाहर निकल रही थी कि तभी रानो चिड़िया उसे पीछे से आवाज लगाती है। गुड़िया बेटी, दूसरे शहर जा रही हो, यह कुछ रुपये ले जाओ। मम्मा, घर में तो एक भी रुपया नहीं था, इसलिए मैं मांग नहीं सकी थी। ये क्या मतलब, इतनी दूर जा रही हो, ऐसे ही जाओगी क्या? ये लो कुछ पैसे ले लो, अब आराम से जाना। और हाँ, अच्छे से इंटरव्यू देना, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी। ऐसे कह के उसकी माँ उसे समझाती है और फिर गुड़िया चली जाती है। इधर मम्मा चिड़िया काम करने का फैसला करती है। वो मिठू तोते के घर जाती है। हाँ हाँ, बोलो चिड़िया, क्या काम है? और देखो, मेरे पास रुपए पैसे नहीं है, कल ही कालू सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ।
नहीं नहीं मिट्ठू भैया, मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आई हूँ। मैं तो बल्कि काम की तलाश में आई हूँ। आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता दें, क्योंकि घर में पैसों की बहुत तंगी है। चिड़िया, जब मैं कालू सेठ के घर गया था तब उसकी पत्नी बोल रही थी कि उसके घर में एक काम वाले की जरूरत है, तो आप वहाँ चली जाएं। मम्मा चिड़िया ने कभी झाड़ू पोंछे का काम नहीं किया था, लेकिन अपने घर की स्थिति को देखकर वो कालू सेठ का दरवाजा खटखटाती है। घर की मालकिन गौरी कभी दरवाजा खोलती है। क्या बात है गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैम साहब, वो मुझे खबर मिली थी आपको झाड़ू पोछे वाले की सख्त जरूरत है, तो बस मैं काम के लिए आई हूँ, कृपया मुझे काम दे दें। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही, काम वाले की तो बहुत जरूरत थी। अच्छा ठीक है, तो फिर अंदर आजा, आजा आजा, अंदर ही आजा, मैं तुझे काम बताती हूँ। गौरी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और उसे घर के सारे काम समझा देती है। मैम साहब, आपने जो भी बताया मैं सब कर लूंगी, लेकिन मेरी तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह? तनख्वाह तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सरकारी नौकरी लगी हो। वो मिल ही जाएंगे जो सब काम वालियों को मिलते हैं, सिर्फ 3,000, समझ रही हो, 3,000 ही देते हैं हम। गौरी के कड़क स्वभाव को देखकर मम्मा चिड़िया तो कुछ नहीं बोलती। ठीक है मैम साहब। अच्छा ठीक है, तो फिर अब काम पे लग जाओ। मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने काम वाली रख ली। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी का सारा काम करती है। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती और पोछा भी लगाती है। चिड़िया, महीने की 15 तारीख को ही पैसे मिला करेंगे, बीच बीच में मुझे परेशान ना करना, वरना मैं काम से हटा दूंगी। सुन लिया? ठीक है, मुझे सब मंजूर है मैम साहब। मम्मा चिड़िया जब घर से निकल जाती है, वो रास्ते में बहुत चिंता कर रही थी। गुड़िया भी आ गई होगी, मैं उसे झाड़ू पोछे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मेरी गुड़िया खामखा उदास होगी। वह नौकरी को लेकर पहले से ही चिंता में रहती है। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया घर पहुँच जाती है। गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा मम्मा, आप आ गई? कहाँ गई थी मम्मा? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। ये सब छोड़ गुड़िया, और यह बता तुझे नौकरी मिली या नहीं? गुड़िया उदास हो जाती है। मम्मा चिड़िया तो समझ ही जाती है। अब ज्यादा चिंता मत कर, जब नौकरी मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे ही हालातों में कुछ समय बीत गया था कि गुड़िया को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मम्मा चिड़िया छुप छुप करके गौरी के घर काम करने जाती। एक दिन गुड़िया की मुलाकात अपने स्कूल के छोटे पच्ची लड़के से होती है, जो मोमोज का ठेला लगाए हुए था। गुड़िया तो उसके ठेले पर ही रुक जाती है। मानो चिड़े, आपने तो इंजीनियर का कोर्स किया था, फिर ये ठेला क्यों लगाया? मैं कुछ समझी नहीं। गुड़िया, मैं नौकरी का कई साल इंतजार किया, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए जब मैंने यह ठेला लगाया तो मेरे दिन ही बदल गए। मैं अब चाहकर भी किसी और नौकरी नहीं करना चाहता। हाँ, ये तो सच है मनु चिड़े, मैं भी नौकरी का इंटरव्यू देकर थक चुकी हूँ, और मेरी मम्मा पर पढ़ाई का कर्जा भी बहुत है, तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना मैं किसी चीज का ठेला लगा लूँ। हाँ हाँ गुड़िया, ये आपने बहुत अच्छा सोचा, आप कोई ठेला ही लगा लें, आखिर नौकरी कब तक तलाशती रहोगी? गुड़िया को मनु चिड़े की बात ठीक लगती है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से ठेला लगाने की बात करती है। मम्मा, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितना पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी अफसर बनेगी, लेकिन अब क्या करूं? आपकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। ठीक है बेटी, आपके मन में जो हो वो आप करें, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गुड़िया अगले दिन से पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू करती है, और गुड़िया के जान पहचान वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। गुड़िया सबको नजर अंदाज करके तो दूसरी तरफ कुछ बच्ची बहुत अच्छा बोलते, ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली गुड़िया, इस बच्चे के गोलगप्पे खाते हैं, बेचारी की बिक्री हो जाएगी। गुड़िया हमारे लिए जल्दी से पानी पूरी खिलाओ।
ठीक है अंकल जी, मैं अभी सबको खिलाती हूँ। गुड़िया कबूतर और उसके दोस्तों को गोलगप्पे खिलाती है, तभी दूसरे पंछी भी आ जाते हैं। गौरी ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली, चलो चलो थोड़े मजे लेते हैं इससे। बीटेक पानी पूरी वाली और क्या कर रही हो आजकल? अरे वाह, तुम तो गोलगप्पे का ठेला लगाए हो। अरे ओ बीटेक पानी पूरी वाली चिड़िया, जरा एक एक गोलगप्पे जरा हमें भी लगा दो, देखते हैं तेरे गोलगप्पे का स्वाद कैसा है, ये स्वादिष्ट हैं भी या नहीं, या फिर तेरी पढ़ाई की तरह ये भी बेकार हैं। गुड़िया कुछ नहीं बोलती, उन्हें चुपचाप गोलगप्पे खिला देती है। वो बीटेक पानी पूरी वाले के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। मेरे ठेले का कोई नाम नहीं है, वो अच्छा होगा कि मैं बीटेक पानी पूरी वाले इसी पे लिखवा दूं, और वैसे भी सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, हम ये नाम तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़िया ऐसे ही करती है, वो बीटेक पानी पूरी वाले ठेले पर लिखवा देती है। अब तो गुड़िया के गोलगप्पे खाने दूर दूर से पक्षी आने लगे थे। वो बीटेक पानी पूरी वाले के नाम से जो मशहूर हो जाती है, अब उसकी दिनों दिन हजारों की कमाई होती थी, वो बहुत खुश थी। मम्मा ये देखें, अब मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, और अब हम आपका भी काम गुजारना बंद करवा देंगे, क्योंकि मेरा ठेला ऊपर वाले के दिए से अच्छा चल रहा है। ये ले मम्मा, आज मेरी बिक्री पूरे 4,000 रुपए की हुई है, और अब दिन पे दिन बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि दूर दूर के पक्षी आते हैं मेरे गोलगप्पे खाने। मम्मा चिड़िया तो 4,000 लेकर बहुत खुश थी। वो समय के चलते सबका कर्जा चुका देती है, और फिर झाड़ू पोछे का काम भी करना बंद कर देती है। ऐसे ही उनके लगातार दिन बदलते जाते हैं, और वो जंगल के सबसे अमीर पंछी बन जाते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया गर्मियां बिताने अपने भाई के घर गई थी। वहां का जंगल हरा भरा था। गुड़िया तो गर्मी की इस कड़क मौसम में इतनी हरियाली देखकर हैरान थी। मम्मा, मामा का जंगल देखकर बिल्कुल नहीं लगता, यहां जरा से भी गर्मी पड़ती होगी। गुड़िया बेटा, तभी तो आए हैं हम यहाँ पर, यहाँ हर मौसम बरसात होती है, आप जल्दी जल्दी चलो, हो सकता है घर पहुँचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाए। फिर भी दोनों जल्दी जल्दी उड़ती हैं और अपने भैया के घर पहुंच जाती हैं। मामा की पत्नी तो बहुत गुस्से वाली थी, वो रानू चिड़िया का अपने घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चंदू जी कह देना अपनी बहन से यहाँ ज्यादा दिन ना रुके, और सोचे भी ना रुकने का, इस बारिश में मैं पहले से ही बहुत परेशान रहती हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है कह दूंगा, लेकिन अभी तो उसके पास जाओ और बैठो, वो अभी अभी ही आई है। फिर रानू का भाई उन दोनों को खाने के लिए तरबूज लाता है। वो दोनों माँ बेटी तरबूज खाते हैं। मामा जी हमारे जंगल में तो आग बरस रही है, आग गरम गरम लू चल रही है, इसीलिए हम गर्मी बिताने यहाँ आए हुए हैं। मामा यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं गुड़िया जिद करे जा रही थी, अब तो आप खुश हो ना, अब हम बुरी गर्मी आराम से बिताएंगे। मामा अपनी पत्नी से बहुत डरता था, वो एक दो दिन तो कुछ भी नहीं बोलता, मगर तीसरे दिन उसकी पत्नी उसे रानू के पास भेजती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ छत पर बैठी हुई थी, और हल्की हल्की बूंदें भी देख रही थी। देखिए चंदू जी, मुझसे बारिश के मौसम में इसकी खातिरदारी नहीं होती, आप बोल दें ये अपने घर चली जाए, आखिर हमारे भी तो खर्चे हैं। क्या रानो, दो चार ही दिन तो आई है, रह लेने दो। मैंने कहा ना अभी जाकर बोल के आओ, वरना मैं चली जाऊंगी, रहना तुम अपनी बहन के साथ। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रानू का भाई उसके पास जाता है, और बात को घुमाते हुए उन्हें जाने को बोलता है। रानू बहन, तुम्हारी भाभी अकेली है, वो हम सबका खाना नहीं बना पा रही है, और वो सही से काम भी नहीं संभाल पा रही है, आपको अपने घर जाना चाहिए। ऐसे बोलकर गुड़िया का मामा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या हमें फिर से गर्मी के जंगल में जाना होगा? क्या हम और नहीं रह सके यहाँ पे? नहीं नहीं गुड़िया, मैं सामान लाती हूँ, अब हमें निकलना ही होगा, आप भी अपना सारा सामान बांध लें।
नहीं नहीं माँ, हम यही रहेंगे, यहाँ कितना सुकून है। मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मामा के घर ही रहूंगी। आप अकेले चले जाओ, मैं मामा के पास ही रहूंगी। गुड़िया बेटी, जब मामा की शादी नहीं हुई थी तब अलग बात थी, लेकिन अब हम यहाँ और नहीं रुक सके हैं। आप जल्दी जल्दी तैयारी करें। ऐसे मम्मा बेटी अपना सामान बांधती हैं और रानो चिड़िया अपनी भाभी से बोलती है, अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। रानो की भाभी तो मुंह फेर लेती है, उसका भाई उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। वो गुड़िया को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालता है। गुड़िया बेटा, मेरा पर्स अंदर ही रह गया है, मैं अभी लाता हूँ, और अपनी नन्ही गुड़िया को विदा देता हूँ। रहने दो भाई, कोई बात नहीं, बस अपना प्यार बनाए रखना, इतना ही काफी है। अब मैं चलती हूँ वरना रात हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, खाली हाथ कैसे जा सकती हो, मैं अभी अपना पर्स लाता हूँ। रानो का भाई घर के अंदर जाता है और अपना पर्स ढूंढता है, लेकिन पर्स तो उसकी पत्नी के पास था, और उसके घर आने से साफ साफ मना कर देती है। कर लिया तुमने अपनी बहन को फोन, अब रुको मैं करता हूँ अपनी बहन को, और देखना वो जरूर आएगी, चाहे घर में कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, तुम देखना। ऐसी बात करके वो रानो को फोन मिलाता है। रानो अपनी भाभी की यह बात सुनकर घबरा जाती है। वो सुबह होते ही उसके जंगल पहुँच जाती है। भाभी आप ही तो हो ना, ऐसी हालत में ध्यान रखना चाहिए था, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी। रानो की भाभी तो बहुत शर्मिंदा थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। भैया मैं यह कुछ रुपए लाई हूँ, मेरे पास रखे थे, इन्हें संभाल के रख लो, जब जरूरत पड़ी तो काम आएंगे आपको। चिड़िया की यह बात सुनकर उसका भाई भी बहुत शर्मिंदा था, वो उससे माफी मांगता है। रानो बहन मुझे माफ कर दो, जो पारो के कहने पर मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और इसकी बात मानी। रानो दीदी मुझे भी माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, मैं आपसे नाराज कब थी जो माफ कर दूं? भला अपनों से भी कोई नाराज होता है क्या? थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, मैं तो ये सब कब भूल चुकी हूँ। चलो अब मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ।